नमस्कार, मैं निशांत चतुर्वेदी एक बार फिर आप सबका अपने चैनल दराज धर्म पे स्वागत करता हूँ। प्रकाश राज, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो आज काफी विवादित बना हुआ है। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से पॉर्न फिल्म बच्चों के लिए हानिकारक है, उसी तरीके से रामलीला माइनॉरिटीज के लिए हानिकारक है। आप सोच रहे होंगे कि ये भाषा कितनी अमर्यादित है, कितनी अभद्र है। वो रामलीला की बात कर रहे हैं, शायद उन्हें नहीं पता कि रामायण केवल और केवल भारत में नहीं, दुनिया के बड़े से बड़े देशों में पढ़ी जाती है। यह केवल और केवल हिंदुओं का प्रमुख धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से पूरी दुनिया सीखती है। लेकिन ना जाने प्रकाश राज को क्या हो गया है। चलिए इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत से ही हमारे साथ एक लोग जुड़े हैं। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने प्रकाश राज पर सर टिप्पणी की है, प्रकाश राज ने जिस तरीके से रामलीला पर टिप्पणी की है, क्या सचमुच में वो एक विलन किरदार में हो गए हैं क्या? उनको तो हम लोगों ने दबंग और सिंघम में ही देखा था, लेकिन उनकी भाषा तो लग रही है कि वो सचमुच में एक विलन है। हम तो विलन कहना मुझे शर्म लग रहा है, क्योंकि विलन में भी एक करेक्टर होता है जी। ये तो विक्षिप्त तो हो गए, विलन नहीं है, विक्षिप्त है ये जी। जो इन्होंने बात कही है, जैसे आपने कहा कि पॉर्न फिल्म देखते जैसे बच्चे खराब होते हैं, वैसे रामलीला देख के वो एक माइनॉरिटी को वो प्रॉब्लम है करके। पॉर्न वीडियो कोई भी देखेगा, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे कोई भी, वो खराब होता है, वो तो एक सत्य है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक रामलीला की बात उन्होंने कही, तो ये उनकी घिनौनी मानसिकता का परिचय है। वो बहुत ही मतलब इतनी ज़्यादा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं कि इस तरह की घटिया बयानबाजी करें, पहली बात। दूसरी बात, रामलीला खाली हिंदुओं में प्रचलित नहीं है। मैं यहाँ बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, मुस्लिम भी इसको श्रद्धा से देखते हैं। एक हमारे मुस्लिम मित्र थे, उनके पिताजी, उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा पुरानी बात कर रहा हूँ, वो महाभारत रामायण इस तरह की जो मूवी आती थी, बड़े शौक से देखा करते थे। ये विक्षिप्त जो प्रकाश राज, ये विक्षिप्त मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस तरह की जो बात करके अपने पूरे समाज में क्या पेश करना चाहते हैं, ये खुद वो भी नहीं जानते होंगे जी। ये मतलब जिसके कहते हैं ना, एक विक्षिप्त या पागल जो हो जाता है, वो क्या बकता है उसको नहीं मालूम है। सर, जिस तरीके से हम लोग वीडियो देख रहे हैं, उसमें उनका अंदाज जो बात करने का है, वो ये कह रहे हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं है। बताइए, रामलीला से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? उन्होंने विमान का मजाक उड़ाया है, उन्होंने प्रभु श्री राम और जितने भी उनके जो कलाकार के रूप में जो निभाने वाले हैं, उनका मजाक उड़ाया। बताइए, इससे खतरा हो सकता है? रामलीला में केवल और केवल हिंदू ही नहीं भागीदार होते हैं, बल्कि दूसरे धर्म के भी लोग भागीदार होते हैं, उन्हें इतनी तकलीफ क्यों है? देखिए, आप, हम या कोई भी आदमी, इवन प्रकाश राज ही क्यों ना, मंदिर जाते हैं। मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं। हम मंदिर में क्या देखते हैं? भगवान की मूर्ति देखते हैं, यही ना देखते हैं? हम मूर्ति, हम हिंदू लोग मूर्ति पूजक होते हैं। रामलीला में जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जो चित्र, जो जिन को कैरेक्टर को प्रस्तुत किया करता है, हम उसमें भगवान की प्रतिमूर्ति देखते हैं। जब हम प्रतिमूर्ति देखते हैं, तो एक स्वाभाविक रूप से श्रद्धा जागृत होती है। भले ही वो एक ड्रामा हो, आर्टिफिशियल हो, लेकिन अंदर से हमारी एक श्रद्धा जागृत होती है। और जब श्रद्धा जागृत होती है, तो हम उसको नमन करते हैं। काशी में, रामनगर में रामलीला होती है, आपको पता है, वो सैकड़ों साल से चल रही है। वहाँ भी एक मनुष्य ही करेक्टर जीवन करता है, लेकिन वहाँ सैकड़ों हजारों लोग जाते हैं और उस करेक्टर को नमन करते हैं, परंपरा से पूरी। और आज से नहीं, मैंने कहा परंपरा है ये मेरी। तो हम कोई करेक्टर ही या एक्टिंग ही क्यों ना करता हो, लेकिन मेरे समय फिल्म में भी जाते हैं, तो एक हीरो जो करेक्टर किसी भी फिल्म में कोई भी चीज़ होती है, तो वो हम जब जाते हैं, तो हम अपने करेक्टर के हिसाब से एक चरित्र को खोज लेते हैं और हम उसमें अपने को महसूस करने लगते हैं। उसी तरह रामलीला वगैरह जो भी होती है, तो उस करेक्टर में हम अपने को महसूस करने लगते हैं, फिर हमारी श्रद्धा जागती है उस पर। जब हमारी श्रद्धा जागती है, तो नेचुरल है कि हम उसको नमन करेंगे। और ये अगर उनको ये नमन करना भी एकदम लग रहा है कि ये क्या, उनको बड़ा घटिया लग रहा है, तो मैं समझता हूँ उससे घटिया, उससे निकृष्ट आदमी कुछ मैंने देखा ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि कंफर्टेबल वहाँ पर नहीं, उनको क्या कंफर्टेबल चाहिए? वो किस प्रकार के कंफर्टेबल की बात कर रहे हैं? हमको लगता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, खुद उनको नहीं मालूम है। कंफर्टेबल का क्या मतलब होता है? व्हाट द हेल ही इज टेलिंग? वो कहना क्या चाहते हैं? क्या कंफर्टेबल की बात करते हैं? क्या हम रामलीला देखने से हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे? ये बेतुकी और बेहूदी बातें पता नहीं वो क्यों कर रहे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उनका ये वक्तव्य देने का मकसद क्या है। या तो वो पागल हो चुके हैं या विक्षिप्त हो चुके हैं। कोई भी, इवन हम किसी मुस्लिम से भी इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं करते। मुझे मालूम है यहाँ के मुस्लिम कैसे हैं, वो कभी इस तरह की अभद्र भाषा नहीं कहेंगे। और रामलीला के बारे में वो हम कहते रहे, मुस्लिम लोग देखते हैं, मुस्लिम लोग इसके पक्षकार भी होते हैं। कई जगह रामलीला में मुस्लिम ही उसकी मूर्ति बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं।
देखिए देखिए सर, एक सवाल यहाँ पर और भी आता है कि जो अगली पीढ़ी, जो आपकी पीढ़ी आ रही है, हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि भगवान श्री राम या फिर और भी महा जितने हमारे भगवान हैं, उनके आदर्श को उनके सामने कैसे प्रस्तुत किया जाए, कैसे रखा जाए। और ये लोग ऐसे हैं कि बताइए, इन छोटी छोटी चीज़ों से तुलना कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन की अगर बात कर ली जाए तो उनका संपूर्ण जीवन आदर्श है, मर्यादा से ही भरा हुआ है, और आप उनके उस तुलना किससे कर रहे हैं कि मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। कोई मतलब वो तुलना का कोई उस तुलना में कोई समानता ही नहीं है। पहले तो ये बेतु की तुलना उनको करनी ही नहीं चाहिए, और वो भी एक टीवी शो में शायद कर रहे थे, मुझे लगा न्यूज़ 18 में था, चौपाल एक था उस पर वो कर रहे थे। इतने बड़े नेशनल टीवी में आप इस तरह की मतलब एकदम घटिया और निम्न स्तरीय बात करके आप सिद्ध क्या करना चाहते हो? पौन की तो मतलब हमको कहने में खुद शर्म लग रही है, उसका तो जिक्र ही नहीं होना चाहिए। पहले बात रामलीला से उसका जिक्र ही नहीं होना चाहिए, और रामलीला अगर कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहीं भी रामलीला होती है हमारे देश में होगी, नेचुरल है। हमको ये भी आज भी याद है, बहुत पहले है पिक्चर लगी थी जय संतोषी माँ बनारस में, तो चित्रा टाकिस वहाँ पर फिल्म लगी थी, और हमारे घर की, हमारे समाज की औरतें इतना श्रद्धा सुमन हो चुकी थी कि उस स्क्रीन पे उन्होंने चढ़ावे के रूप में पैसा फेंका, पैसा दिया। अब आप समझ लीजिए कि हमारे देश के, हमारे चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, जो भी हो, उनकी श्रद्धा कितनी होती है, उस श्रद्धा को ये गाली दे रहे हैं। ये श्रद्धा को, हमारी श्रद्धा को प्रकाश राज जैसे थर्ड क्लास के आदमी गाली दे रहे हैं। तो क्या इन कलाकारों का अब पूरी तरीके से बहिष्कार होना चाहिए जिस तरीके से इनके फिल्में आती हैं? निश्चित तौर पर ये कहना, कलाकार वो बहुत अच्छे हैं जिस तरीके से विलेन का रोल निभाते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बातें कहकर क्या इनका अब बहिष्कार करना चाहिए? बिल्कुल एक तरीके से कड़ा संदेश मिले कि आपको हमारी संस्कृति पर कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं, जब आप सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान मत करिए। हमको लगता है संस्कृति के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। विलन का रोल करते करते शायद उनकी मानसिकता भी वो विलन टाइप की ही हो चुकी है। वो संस्कृति हमारे देश की संस्कृति है, वो जानते हो, और उनका बहिष्कार तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे हो ही रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। अब उनको शायद वो एक जमाने में जो, क्योंकि हम उनका ढलान पर करेक्टर चल रहा था फिल्म में, अभी उनका करेक्टर ढलान पर अब आप पे नहीं है, तो अब सोच रहे हैं कि आप यही सब बकवास करें, पॉलिटिक्स में जाएं। शायद वो चुनाव में खड़े भी हुए थे, हार भी गए थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो उस आदमी का बहिष्कार हम क्या करें, खुद ही बहिष्कृत हो चुका वो आदमी। एक चीज़ मैं जरूर बोलना चाहूँगा, किसी की आस्था पे चोट नहीं करना चाहिए, चाहे वो मेरी आस्था हो चाहे किसी और धर्म की आस्था हो। आस्था हमारे दिल से उठती है, आस्था पे चोट करना सरासर गलत है। मैं अपने अपने धर्म और संस्कृति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की भी धर्म और संस्कृति की बात जरूर करूँगा कि किसी की आस्था पे चोट मत करिए, क्योंकि आस्था उसके दिल से निकलती है। आस्था शो नहीं, मतलब आस्था में दिखावापन नहीं होता, आस्था हमारे दिल के अंदर से निकलती है, चाहे एक मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो, जो भी हो, वो अपने इष्ट की पूजा करता है तो अपनी आस्था से करता है, तो उस पर कभी किसी को चोट नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, और ऐसे कलाकार जो हमारी संस्कृति को ना समझ सके, ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं, उनका भी समाज से पूरी तरीके से बहिष्कार होना चाहिए, और मैं मानता हूँ कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है हमारी संस्कृति पर ऐसी अमर्यादित टिप्पणी करने का। बने रहे हमारे चैनल पर, फिर होगी आप सबसे मुलाकात। जय हिंद।